हाय फ्रेंड्स, मैं बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, लेकिन इन दिनों मैं लगातार 3-4 वीडियो अपलोड में करने जा रहा हूँ। आप लोगों को आज एक अलग एक दिखाने जा रहा हूँ, जो बहुत जगह बोलते हैं क्या स्लीपिंग सिस्टम नहीं होती है इतना बड़े बाल इतने बड़े मतलब ब्लाइंडनेस एरिया में, जो कि आज मैं करने जा रहा हूँ। देखिए आप लोग, मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट देने का इनको, ठीक है। ये हमारे क्लाइंट हैं, इनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये फेस इनका ढका हुआ है। इनका एरिया देखिए, इस एरिया का हिसाब से अब ये इनको जॉगिंग वगैरह करना है, काफी इनको कभी कभी लगाना है, तो इनका मैं सोल्यूशन निकाला हूँ। चलो ठीक है, अच्छा इनका कलर वगैरह किया हुआ हूँ इसलिए इधर दाग वगैरह दिखाई दे रही है। इनका ग्रे हेयर काफी सारा था, तो इनको आज इनके हिसाब से मैं इनका रिक्वेस्ट पे, इतने बड़े बालों में जनरली आपका क्लिपिंग सिस्टम नहीं हो पाती है, लेकिन इनका कहना है कि मुझे कभी कभी ही लगाना है, तो मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करिए, तो मैं आज इनके लिए एक बड़ा साइज का एक हेयर पेस्ट लगाऊंगा। इस हिसाब से करने जा रहा हूँ, देखिए क्या होता है इनका करने के बाद लुक, ठीक है। आजकल मार्केट में Q6 की बहुत सारी इंक्वायरी आ रही है मेरे पास में, Q6 Q6, तो मैं बताने जा रहा हूँ क्या Q6 का लास्टिंग बहुत कम है। अगर आप लोग शौकिया तौर पे Q6 अगर लगाते हो तो उसका 6 से 8 महीना तक, ज़्यादा ज़्यादा मान लीजिए साल भर तक का ही लास्टिंग होगा। लेकिन मेरे यहाँ पे जो भी हेयर पेज में लगाता हूँ, मेरा बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं प्राइस के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैं क्लाइंट को उन वेरीफाई करना चाहता हूँ क्या उन लोग अच्छे मतलब सर्विस मिले मुझसे, बस यही है आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मुझे Q6 के बारे में बहुत सारी इंक्वायरी आ रही है, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उसका लास्टिंग वगैरह कम है, मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा है उसका, और 2-3 महीने बाद में उसका खराब लगती है थोड़ी, मतलब अननेचुरल टाइप का लगने लगती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो आप लोग भी इस चीज़ को मेंटेन करें। बहुत सारे हेयर पेचेस हैं मेरे पास, काइंडली विजिट करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, ज़रूर करें सब्सक्राइब, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो है ये। इसमें मेरा उद्देश्य यही है कि मैं हर आदमी को एक नया लुक दूँ, जागृत करूँ उनको कि आप भी पर्सनैलिटी चेंज कर सकते हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हो अपना, ठीक है। दोस्तों मिलता हूँ इनका हेयर कट के बाद। देखिए दोस्तों, इनका हेयर कट वगैरह मैं कर चुका हूँ, ठीक है। ये क्लिप सिस्टम का है, ये देखिए यहाँ पे क्लिप लगी हुई है, ठीक है, और इनके अंदर टेप लगा हुआ है फ्रंट साइड का, जिसने आपने पहले देखा था कि इनको टेपिंग सिस्टम फ्रंट का करना होगा, बाकी का मैं क्लिपिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं इनको फिटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे फिट करना है क्लिप को, हेयर क्लिप को कैसे फिटिंग करना है। आप एक साइड को दाब देंगे, दाबने के बाद में एक हेयर के साथ में एक आपको चिपकाना है, ठीक है, और इस पेज को आपको बीच में दाब देना है, सिंपल है, ठीक है। इधर भी आप यही करें, क्लिप को दाबना है और बीच में दाब देना है, ठीक है। ये लास्ट वन, ये सुन इधर लास्ट, ये इंटर है, लुक एट द ब्यूटी, बताइए। लोग कहते हैं कि क्लिपिंग सिस्टम में फिनिशिंग नहीं आती है, हेलो देखिए लोग कहते हैं कि क्लिपिंग में फिनिशिंग नहीं आती है, देखिए इनका लुक, ठीक है। आप लोग सब सेटिस्फाई होंगे, ठीक है।
देख लीजिए, ठीक से दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, इनका क्लिपिंग सिस्टम कंप्लीट हो चुकी है, इनका फिनिशिंग हो चुकी है। और इतने बड़े पार्लेस एरिया को मैं क्लिप से किया हूँ, मैं सोचा नहीं था मेरा सक्सेस होगा इतना, ठीक है। आज ये भाई साहब भी खुश हैं, क्योंकि इनको बार बार लगाना नहीं है हेयर पैच, ये ओकेजनली लगाएंगे, कहीं जाने से, कहीं पे ये रनिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, जॉगिंग वगैरह करते हैं, तो इनको पसीना स्वेटिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। इनका जो काम है फील्ड वर्क है, उनका भी थोड़ा कॉन्टेक्चुअल टाइप का है, फील्ड में धूप में ज़्यादा रहनी पड़ती है। अपने फीलिंग्स बताए उन्होंने, थोड़ी दिक्कत होगी, तो मैं इनके हिसाब से मैं इनको कर दिया हूँ इतना बॉल्डनेस एरिया में, शायद इंडिया में फर्स्ट टाइम ही होगा इतना बॉल्डनेस एरिया में आज क्लिप सिस्टम लगना। ओके देन फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज लाइक, ठीक है। इनका स्कैल्प दिखाता हूँ, लोकरी में स्कैल्प, ठीक है, ये देखिए वेरी गुड क्वालिटी हेयर पैच, ठीक है। अंदर में स्कैल्प दिखाई दे रही है जो कि एकदम नेचुरल है। प्लीज विजिट माय सेंटर एंड गेट बैक योर कॉन्फिडेंस। ओके देन, बाय, गुड डे, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।